आज ब्रज चौरासी डॉट कॉम पोरबंदर श्री मदन मोहन प्रभु श्री विशाल बाबा श्री वसंत बाबा जैसा इनका नाम सुना जैसा हमने अपने चतुर्वेदी समाज में बड़ों से सुना था आज ये वैसा ही इस पोरबंदर में हमको देखने को मिला अपने शिष्य मंडलों के साथ अपनी हवेली में बहुत ही आसानी से आप श्री से मुलाकात बड़ी सरलता से ये जो झांकी आपको आप श्री की मिल रही है वो आप श्री के बहुत परम सहयोग से मिल रही है। यमुना पॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन के लिए ब्रज चौरासी कोष के पॉल्यूशन और सॉल्यूशन के लिए ब्रज चौरासी डॉट कॉम आप श्री तक पहुंचने की कोशिश में पहुंची, बड़ी सरलता से वहां तक पहुंच गई। इसमें इन मजीठिया जी का भी और उनके स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है ब्रज चौरासी कोष डॉट कॉम। और आप श्री से यही विनती की जा रही है कि यमुना जी की जो स्थिति है कृपानाथ, मैंने जिस समय अपने गुरुजी से कहा कि यमुना जी के ऊपर चार शब्द इसमें बोले मेरी ब्रज चौरासी डॉट कॉम की अपडेटिंग चालू, उन्होंने कहा पहले यमुना के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन लेके आ तब इसके विषय में कहा। इस बात को लेके मेरे दिमाग में एक जहर घुर गया और मैं यमुना के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के बीच में जैसा भी हूँ जैसी भी स्थिति में हूँ इसके समाधान के लिए ही इधर से उधर दर भटक रहा हूँ। कृपानाथ आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जो वर्तमान में यमुना जी की स्थिति है उससे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? वर्तमान में जो श्री यमुना जी की स्थिति है वो बहुत ही दुखद है और जो भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा संस्था के द्वारा लिए जा रहे हैं वो अभी इतने कारगर नहीं हो रहे हैं, इतने प्रैक्टिकल नहीं है जो सही अर्थ में यमुना जी को शुद्ध कर सके। तो ये स्थिति में आपका ये जो चौरासी डॉट कॉम है ब्रज चौरासी डॉट कॉम ये एक सकारात्मक रूप में प्रैक्टिकल ढंग से कार्य करेगा तो सही में अपने श्री यमुना जी के जो मात्र पुष्टि मार्ग के नहीं पर अपने सनातन धर्म के एक बहुत ही आदरणीय पूजनीय ऐसे श्री यमुना जी का संरक्षण होना ही चाहिए और इसके लिए जो भी कुछ भी सहायता प्रयत्न सेवा हमको जुड़ने का मौका मिलेगा तो हम भी भगवत कृपा से जो हो सकेगा इतनी सी यमुना जी की सेवा करेंगे।